भाजपा केन्द्रीय नेतृत्व द्वारा भारतीय जनता पार्टी ना प्रदेश प्रमुख तरीके सी आर पाटिल की निमणूक करवामां आवी छे। त्यारबाद हवे मंगलवार 12:39 कलाके सी आर पाटिले विजय मुहूर्तना भाजपा प्रदेश प्रमुख तरीके पदभार संभाळी लीधो छे। राजकीय निष्णातोना मते सी आर कुशल संगठक छे अने भाजपा पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह अने पीएम मोदीना निकटना नेता छे। आ समय मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, डीसीएम नितिन पटेल सहित टोचना आगेवानो हाजर रह्या हता। બીજી બાજુ સી આર પાટિલ ના ચાર્જ સંભાળતાની સાથે જ ગાંધીનગરમાં રૂપાણી કેબિનેટના વિસ્તરણની અટકળો તેજ બની છે અને જેમાં પ્રદેશના પૂર્વ પ્રમુખ જીતુ વાઘાણીને પણ કોઈ જવાબદારી સોંપવામાં આવી શકે છે। આ સાથે સરકારમાં સંસદીય સચિવોની નિયુક્તિ પણ થઈ શકે છે। ભારતીય જનતા પાર્ટીમાં પ્રમુખોની જવાબદારી પણ ચેન્જ થાય છે, કેટલી સહજતાથી થાય છે એનો ઉદાહરણ, જીવંત ઉદાહરણ આજે આપણી સામે છે। एक सामान्य कार्यकर्ता मैं हमने कहो कि हूँ छेली लाइन में बेसत हो त्या मैंने सीधो डायस पर नहीं आया। आज प्रक्रिया ए फक्त भारतीय जनता पार्टी में ज आ लोकतंत्र साबूत छे, सलामत छे, सक्रिय छे, एटला माटे आ परिणाम आवता होय छे। अने कार्यकर्ता मार्गदर्शन आपीने अने घड़ीने अने सक्षम बनावीने जवाबदारी आपवी ए प्रकारनी पण आखी प्रक्रिया ये भारतीय जनता पार्टी में पहलेथी प्रचलित है, हाल में प्रचलित है। हूँ आभारी छु आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी साहेब नो, राष्ट्रीय पूर्व अध्यक्ष गृहमंत्री श्री अमित भाई शाह साहेब नो, राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री नड्डा साहेब नो, अमरा मुख्यमंत्री श्री रूपाणी साहेब नो, नायब मुख्यमंत्री श्री नितिन भाई पटेल साहेब नो, श्री जीतुभाई वाघाणी साहेब नो, अमरा सह संगठन महामंत्री श्री वी सतीश जी अने संगठन महामंत्री श्री भीखुभाई जी कि हमने मन में विश्वास मूक्यो अने अकल्पनीय आ एक जवाबदारी जेने मैं क्यारे कल्पना नहीं करी एवी आ जवाबदारी हमने आपी छे। साथ साथ हमने विश्वास पण आप्यो छे कि अमे साथे छीए अने विश्वासना आधारे हूँ भारतीय जनता पार्टी सौ कार्यकर्ताओं ने आपना माध्यम थी एक विश्वास अपवा मांगू छू कि आप सौने ताकतना उपयोग करीने गुजरातनो जे विकासनो मॉडल आखा दुनिया में आखा देश में प्रचलित छे ए रीते गुजरातना संगठननो मॉडल में पण नवीनता उमेरीने टेक्नोलॉजीनो उपयोग करीने जे केन्द्र सरकारनी अने राज्य सरकारनी जे योजनाओ छे एने लाभार्थीओ सुधी लई जईने એના દ્વારા કાર્યકર્તાઓને પણ સક્રિય કરવા અને લાભાર્થીઓને લાભ આપવાનો પણ સફળતાપૂર્વક પ્રયત્ન કરીશું।